व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् वेदमहमन्द्रितात् सत्यमुपैमि सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो सरस्वती वाजिनेवती यज्ञं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ जागरणमन्त्राः ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोममुतरुद्रं हुवेमा प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्यं
द्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणीतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्वन्तस्यामा उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवाङ्गस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीते स नो भगपुर एता भवेह ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः एक मिनट के लिए अपने चित्त को इन्हीं शक्तियों के ऊपर एकाग्र करते हुए अंतर्मुखी होकर के बैठ जाइए। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों को खोल लीजिए। तो अपने ही साथ, अपने भगवान के साथ ऐसे कम से कम दिन में भी कभी ऐसे थकान लगने लगे, कभी मन ऐसे होने लगे किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है या थकान हो रही है, तो एक मिनट कहीं भी बैठ सकते हैं आप। कहीं आप ड्यूटी पे हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, तो ऐसे थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए ऐसे बैठ सकते हैं दिन में भी। यज्ञ के मंत्रों की हम चर्चा कर रहे थे। यज्ञशाला में आते ही पहले हमने संकल्प लिया अग्नि व्रत पते, फिर अग्नि का आह्वान किया अग्न आया ही आदि मंत्रों से उनको बुलाया, और फिर अपने अंग आदि स्पर्श करके उनका शोधन करके दिव्य शक्तियों को यज्ञशाला के उत्तर साइड में, उत्तर वेदी में बिठा करके अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत, जिन जिन दिव्य शक्तियों को हम श्रद्धा पूर्वक बुलाते हैं वो हमारे यज्ञ में आते हैं, और फिर उनको हमें बैठने के लिए एक भावनात्मक रूप से
किसी को बुलाए तो बैठने के लिए तो आसन देना ही पड़ेगा। तो ऐसे सोचना चाहिए कि मैं भी बैठ रहा हूँ, यजमान भी और विश्वे देवा, सभी देव भी यहाँ करके बैठ गए। तो जब देवता हमारे सामने बैठे हैं तो फिर हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा, फिर तो हमारा मन उन्हीं में लगेगा। क्योंकि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो फिर हम उन्हीं के साथ बातचीत करते हैं, बाकी को भूल जाते हैं उतनी देर के लिए। यहाँ भी हमारे यज्ञ में सभी देव आए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए और अपनी आहुतियाँ लेने के लिए, तो ऐसे फील भी होना चाहिए हमें। और फिर हमने अग्नि को उद्बुद्ध किया, ओम उद्बुद्धस्व अग्नि प्रतिजाग्रही त्वम इष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। फिर एक समिधा, प्रथम समिधा इस मंत्र से दी जाती है, ओम अयम त इद्म आत्मा। साधक अपने हाथ में समिधा लेकर के पहली समिधा, तब ये मंत्र बोलता है, हे अग्ने, अभी तो ये लकड़ी मेरे हाथ में है, ये इद्म है इस भौतिक अग्नि के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, अयंत इद्म। हे जातवेदा अग्नि, ये ईंधन आपको बढ़ाने के लिए, इस अग्नि का ही स्वरूप बन जाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ से आध्यात्मिक अर्थ ये होगा कि ये समिधा मेरे आत्मा का स्वरूप है, मैं स्वयं परमात्मा रूपी अग्नि में, मतलब परमात्मा रूपी अग्नि से मिलने के लिए तैयार हूँ, परमात्मा रूपी अग्नि में गिरने के लिए तैयार हूँ। हम सूखी लकड़ी हैं, सूखी लकड़ी अज्ञान का प्रतीक है, अभी हमारे अंदर तो अज्ञान है, तो हम अपनी आत्मा को ही परमात्मा रूपी अग्नि को बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में समर्पित कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हवन कुंड से बाहर रहती है समिधा तब तक सूखी रहती है, लेकिन हवन कुंड के अंदर जब अग्नि में गिर जाती है तो अग्नि के ही स्वरूप वाली हो जाती है। तो परमात्मा रूपी अग्नि में गिर करके मैं भी परमात्मा के ही स्वरूप वाला हो जाता हूँ। तो इसलिए अयंत इद्म आत्मा, हे जातवेदः, इस अग्नि को प्राप्त करके और थोड़ा बढ़ो, इद्धस्व वर्धस्व। क्योंकि अग्नि में जैसे ही कोई समिधा समर्पित करते हैं तो अग्नि और ज्यादा बढ़ती है, पहले से भी ज्यादा, क्योंकि उसको ईंधन मिल गया। तो अग्नि की खुराक तो ईंधन ही है, जितना ईंधन डालते रहेंगे, ईंधन का मतलब केवल लकड़ी नहीं है, उसमें घृत सामग्री ये सब ईंधन है। तो यहाँ अपनी आत्मा को डाल दिया, अपने आप को डाल दिया, अपने सेवाओं को डाल दिया, अपने कर्मों को डाल दिया परमात्मा रूपी अग्नि में, तो फिर वो और ज्यादा बढ़ता है, दिव्यता भगवत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है हमारे अंदर। और फिर उस परमात्मा रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करके साधक प्रार्थना भी कर रहा है कि आप हमें किस किस चीज से बढ़ाइए, प्रजाओं से बढ़ाइए। प्रजा का अर्थ तो मैंने कल भी बताया था, प्रजा का अर्थ बाल बच्चे इतना ही नहीं है, केवल वो भी होता है, तो जो गृहस्थ लोग हैं उनके घर में उनकी संतानें, उनकी संतानें, उनकी संतानें खूब बढ़ें। और दूसरा, प्रजा का मतलब है इंद्रियां, गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य। तीसरा, प्रजा का मतलब है जो आप संगठन में काम करते हैं तो संगठन से जुड़ने वाले भाई बहन, वो भी प्रजा माने जाएंगे आपके लिए, तो वो खूब बढ़े। प्रजया पशु भी का अर्थ है हमारी इंद्रियां और इंद्रियों की शक्ति, वो परमात्मा रूपी अग्नि में संयुक्त होकर के हमारी इंद्रियां परमात्मा के दिव्य गुणों से युक्त हो। प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म वर्चस बढ़े हमारे अंदर, ब्रह्म वर्चस माने ब्रह्म का तेज, ब्रह्म का तेज मतलब ब्रह्म के गुण, ब्रह्म वर्चसेन, इन सब से बढ़े
अन्न अन्नादीन, अन्न भौतिक सामग्री, एक अन्न जो हम मुख से खाते हैं रोटी चावल आदि, वो भी अन्न है। और दूसरा अन्न का मतलब है हमारे जीवन में जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सब अन्न है। अन्न भी मिले अन्नाद्येन, अन्न को पचाने की शक्ति भी मिले। तो कभी तो ऐसा होता है व्यक्ति बोलता है कि जी जब जाड़ थी तो चने नहीं मिले, अब चने हैं तो जाड़ नहीं है। जब पचाने की शक्ति थी तो खाने के लिए कुछ नहीं था, अब खाने के लिए सब कुछ है तो पचाने की शक्ति नहीं है। तो दोनों साथ साथ होनी चाहिए। जब युवा थे, बालक थे, तो इतनी गरीबी में हम पले बढ़े तो कुछ खाने को था नहीं। अब धनवान हो गए, सब प्रकार का धन ऐश्वर्य घर में आ गया, नौकर चाकर सब हैं, लेकिन अब सब चीजें उपलब्ध हैं खाने के लिए, लेकिन अब खाने की शक्ति नहीं है। तो दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति तो अभावग्रस्त ही रहा, मिला नहीं उसको कुछ भी। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की है ऐश्वर्य भी मिले, अन्न भी मिले, सब कुछ मिले और उसको पचाने की शक्ति भी मिले। तो व्यक्ति को झेलता नहीं है, सुख भी नहीं झेलता है, दुख भी नहीं झेलता है। सुख में व्यक्ति फूल जाता है और दुख में व्यक्ति टूट जाता है। इसलिए दौलत को दौलत कहते, इसलिए दो लात मारती है दौलत, इसलिए उसको दौलत कहते हैं। जब घर में आती है तो पीछे से लात मारती है कमर में, फिर व्यक्ति ऐसे देखता है, नीचे नहीं देखता है, फिर जमीन में उसकी दृष्टि नहीं होती, आसमान में होती है फिर। और जब जाने लगती है तो सामने से लात मार के जाती छाती में, तो फिर व्यक्ति ऐसे टूट जाता है, फिर ऊपर नहीं देख पाता है, इसलिए उसको दौलत कहते हैं। तो इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि जब पीछे से आकर के लात मारे तो भी हमारी दृष्टि सीधी रहे, प्रभाव ना पड़े, और जाते समय भी यदि जाए तो भी हम उससे टूटे नहीं। इसको कहते हैं पचाने की शक्ति। नहीं तो सुविधाएं व्यक्ति को सुख भी दे सकती हैं और कभी कभी दुख भी दे सकती हैं। फिर व्यक्ति कहता रे कुछ नहीं था तभी ठीक था, अब ये सब कुछ हो गया तो अब तो वो स्थिति नहीं रही, क्योंकि व्यक्ति गलत ट्रैक पे चढ़ जाता है कई बार। धन ऐश्वर्य आते ही तो वो दूसरों की होड करने लगता है, वैसे कपड़े, वैसे गहने, वैसे शराब आदि, मांसाहार आदि, तो सारा अपने भोग में लगाना चाहता है। तो कल हमने चर्चा की थी कि हमें जो कुछ मिला है वो हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, इसलिए लास्ट में सब कुछ मांग करके बता दिया, इदम अग्नये इदन्न मम। हवन में भी जो कुछ डाल रहे हैं, घी है, सामग्री है, या और मिष्ट पुष्ट कुछ पदार्थ हैं, तो ये सब प्राप्त करके भी फिर साधक बोलता है इदम अग्नये जातवेद से इदन्न मम, ये मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। जो कुछ हमें मिला है वो भगवान से मिला है, हमारा नहीं है, और भगवान के कार्य के लिए ही मिला है, इसलिए अपने ऊपर, अपने भोग के ऊपर उसको सारे को लगाना ये उचित नहीं है। अब अगला मंत्र पढ़ते हैं, ओम सुसमिद्धाय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन। आपको पीछे से किसी को पाठ में कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, पीछे के पाठ से कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, आगे चलो ना। ओके, किसी दिन पूछना हो तो आप फिर पहले ही अपना हैंड रेज कर दिया करें। ओम सुसमिद्धाय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नये जातवेद से स्वाहा इदम अग्नये जातवेद से इदन्न मम। तो देखो यज्ञ में हर मंत्र के साथ आता है इदम अग्नये जातवेद से इदन्न मम, ये एक टैग लाइन है हवन में, इदन्न मम आत्मा है ये यज्ञ की। जो भौतिक यज्ञ है उसका शरीर तो वो अग्नि है जो जल रही है, और उसकी आत्मा ये है इदन्न मम। तो बिना आत्मा के जैसे शरीर
डेड बॉडी के समान है, आत्मा नहीं है, तो शरीर की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए तो उठा के फूंक देते हैं। वही शरीर जिससे कल तक इतना प्रेम करते थे, उसी को उठा करके जलाने चले जाते हैं। क्यों? आत्मा चला गया, तो कीमत शरीर की नहीं आत्मा की थी, प्रीति शरीर से नहीं आत्मा से थी। आत्मा यदि नहीं है यज्ञ में, तो वो यज्ञ किसी काम का नहीं है। आत्मा क्या है यज्ञ की? इदं न ममा। यज्ञ का मतलब है श्रेष्ठतम कर्म। जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं हम, वो सब यज्ञ है। आप किसी की सेवा कर रहे हैं, आप किसी को योग सिखा रहे हैं, आप किसी को दान दे रहे हैं, आप दूसरों को खुशियां दे रहे हैं, दूसरों को सम्मान दे रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये सब यज्ञ कर्म है। अपने शरीर को संभाल के रख रहे हैं, उसके लिए आप प्राणायाम ध्यान आदि कर रहे हैं, अच्छा खाना बना रहे हैं अपने परिवार के लिए, ये सब यज्ञ हैं। लेकिन यदि इस यज्ञ की आत्मा निकल गई, आत्मा क्या है? इदं न ममा, ये भाव नहीं आया, ये सब काम करते हुए ये भावना नहीं आई कि ये मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, तो फिर ये सारे कार्य व्यर्थ हो जाएंगे। और यदि ये सब करते हुए ये भाव रहा कि जिस शरीर से कर रहा हूं या जिस बुद्धि से कर रहा हूं, ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा ने दिया है, उसका है ये, तो इसके माध्यम से परमात्मा ही कर रहा है। इदं न ममा, मेरा नहीं है और केवल मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है शरीर धन दौलत सब, और दूसरों के लिए भी है, केवल मेरे लिए नहीं है। ये भाव यदि बना रहा, फिर तो सेवा भी फल देगी, फिर तो जो जो अच्छे कर्म करते हैं वो यज्ञ पूरे हो जाएंगे फिर। और यदि ये भावना नहीं आई, तो फिर सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो आत्मा को संभाल के रखना चाहिए हमें। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो भावना ये नहीं होनी चाहिए, तो मैंने किया, मैंने किया, ये तो बोलना ही नहीं कभी भी। भगवान की कृपा से हुआ, गुरुजनों के आशीर्वाद से हुआ, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए व्यक्ति को। कोई अच्छा काम हो भी जाता है और कोई दूसरे बोलते हैं, आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाई, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, तो बोल जी गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वादों से ये सब संपन्न हो पाया। और ये सच भी है, अगर हमारे अंदर किसी कार्य को अच्छे से करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, तो वो हमें कहाँ से मिली है? बचपन में माता पिता से मिली, फिर गुरुजनों से मिली, फिर समाज के जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनसे मिली, तो सबसे इकट्ठा कर करके हमने उसको अपना मान लिया, तो अपना है नहीं, क्योंकि हम तो बिल्कुल खाली आए थे, हमारे पास तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी कि हम अपने पैरों से उठ के एक कदम चल सकें। जब हम संसार में आए थे तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि उठ के हम कुछ खा सकें। जब भूखे होते थे तो रो देते थे, इतने असहाय थे, भूखे प्यासे होते थे, धूप में छांव में होते थे, ठंडी गर्मी लगती थी, तो हमारे पास ये भी सामर्थ्य नहीं थी कि हम अपनी तो रक्षा कर सकें। तो वो माता ने उठा उठा करके, कुछ खिला खिला करके, अपने हृदय का अमृत पिला पिला करके, हमारी उंगली पकड़ पकड़ के हमें चलना सिखा दिया कि जब आपको सर्दी गर्मी लगे तो यहाँ से उठ के यहाँ चले जाया करो। अगर वो उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाती तो आज चल भी नहीं पाते हम। गुरुजनों ने ज्ञान यदि नहीं दिया होता तो हमें तो अपना भी होश नहीं रहता, पशु जैसे होते हम, तो कितने लोगों का सहयोग है आज हम जिस रूप में हैं, घर में माता पिता दादा दादी नाना नानी जितने भी भाई बंधु थे उनकी कृपा से हमने शब्द बोलने सीखे, वाणी से इसका प्रयोग करना सीखा,
फिर कहीं स्कूलों में प्राइमरी स्कूल से लेकर के आज तक कितने लोगों ने हमारे को ज्ञान दिया, तब कहीं जा करके हम ये कहते हैं कि मैंने किया। तो वो याद रहे यदि, तो फिर व्यक्ति कहेगा इदन्न ममा, मेरा नहीं है, दिया हुआ है किसी का, और मेरे लिए नहीं है, केवल मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों की सेवा के लिए है, तो फिर यज्ञ पूरा होगा। और कभी कभी तो व्यक्ति स्थूल यज्ञ में भी अहंकार कर लेता है। व्यक्ति कहता है कि हमने इतना सुंदर यज्ञ किया, इतने ज्यादा मंत्रों का जाप किया कि हमारा यज्ञ इतना सुंदर था कि हमें नहीं लगता कोई दूसरा भी ऐसे करता है। तो फिर वो यज्ञ नहीं हुआ, वो तो यज्ञ खंडित हो गया। अब अग्नि जला तो ली एक बार, परमात्मा से संपर्क तो हो गया, लेकिन अग्नि निरंतर तब जलती रहती है जब उसमें आहुति डालते रहें। यदि आहुति डालनी बंद कर दी तो थोड़ी देर में वो अग्नि शांत हो जाएगी, फिर राख हो जाएगी, जहां से चले थे वैसे ही फिर हो जाएंगे। इसलिए अगले मंत्र में प्रार्थना की सुसमिद्धाय शोची से, अच्छी तरह प्रज्वलित होने के लिए, शोची से शुच दीप्तौ, अच्छी तरह दीप्त होने के लिए, घृतम तीव्रम जो होता ना, मैं तीव्र घृत का आहुति देता हूं। इसलिए आहुति देते समय ना घी को गर्म किया जाता है, अच्छे से गर्म किया जाता है। अच्छा गरम गरम घी होता है तो अग्नि में डालते ही तुरंत जल जाता है, और यदि घी गरम नहीं किया, अभी ठंडा है, जैसे कि सर्दियों में जम जाता है, तो फिर उसको डालने में भी दिक्कत होती है, और फिर पहले अग्नि उसको पिघलाएगा, फिर गरम करेगा, फिर लेके जाएगा। तो जब हमने मंत्र बोला इदम अग्नये इदन्न मम, तभी वो घृत अग्नि के मुख में जाके तुरंत देवता के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अग्नि तो सब देवताओं का मुख है। अग्नि में डालते हैं, अग्नि ले जाके उस देवता को दे देता है, लेकिन वो इतना तीव्र होना चाहिए, गर्म होना चाहिए कि डालते ही खाया जा सके, अग्नि उसको ले जा सके। यदि उस समय तो लेके नहीं गया अग्नि, और फिर वो उसमें पड़ा रहा हवन कुंड में, तो अब बाद में तो वो जलता रहेगा, पर वो किसी देवता के पास नहीं पहुंचेगा। देखो, हमें छोटी छोटी सावधानी रखनी चाहिए यज्ञ करते समय। बहुत ज्यादा डाल दिया और पिघला हुआ नहीं था घी, तो फिर अब वो देवता के पास नहीं पहुंचेगा। बहुत ज्यादा सामग्री डाल दी हमने, कई बार लोग ऐसे करते हैं ना, और खास करके जब किसी दूसरे के यज्ञ में गए हों, अपने घर में हों, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा डालते हैं। किसी दूसरे के यज्ञ में मैं देखती हूँ, हमारे यज्ञ में जैसे आते हैं ना कुछ लोग, ऐसे मुट्ठी भर भर के समय वो सामग्री डालते हैं। उनको लगता है फ्री का चंदन घिस रघुनंदन, अच्छी सी सुगंधदार ये सामग्री में तो खूब भर भर के डालो, शायद देवता ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन वो तो खा ही नहीं पाता है अग्नि, आपके मुंह में जितने भी चावल थे थाली में, वो सारे के सारे आपके मुंह में एकदम से भर दिए जाएं तो कैसा लगेगा? परेशानी होगी ना, भाई एक एक ग्रास खिलाओ, एक एक कोर खिलाओ, तभी तो खाया जाएगा। तो बहुत ज्यादा एकदम से नहीं डालना चाहिए, जितना अग्नि खा सकती है उतना डालना चाहिए। अगर हवन कुंड में अग्नि बहुत बड़ी है तो फिर आप मुट्ठी भर के भी डाल सकते हैं, लेकिन हवन कुंड यदि छोटा है तो फिर इतनी आहुति डालनी चाहिए जो 2 उंगली और अंगूठे के बीच में आती है, उतना डालने से अग्नि तुरंत खा लेती है। घी या सामग्री हवन कुंड में चारों तरफ गिर के वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अग्नि के मुख में डालना चाहिए, बीच में। कुछ लोग उस सामग्री को ना ऐसे ऐसे डालते रहते हैं, अग्नि के बीच में नहीं डालते, वो हवन कुंड में ऐसे ही पड़ी रहती तो देवता के पास गई नहीं। तो खैर, ये मैंने एक्स्ट्रा बात बता दी, ये मंत्र में नहीं कहा है। मंत्र में कहा है सुसमिधाय शोची से, अग्नि जला तो दी पर अब ये और ज्यादा बढ़नी चाहिए आगे आगे, इसलिए इसको शोची से ये दीप्त रहे, इसके लिए तीव्रम घृतम जो होता ना, गरम गरम घी को, तीव्र घी को इसमें डालो।